हाय गाइस, दिस इज अमन और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग वो वाली हिस्ट्री नहीं देखेंगे जो हम स्कूल और कोचिंग्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम जनरेशन के बारे में जानते हैं। हम लोग वो वाली हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे बहुत पुराने टाइम से हम लोग वो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज करते आ रहे थे आदिवासी के टाइम से, उन सारे डिवाइसेस के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमंस का और कैलकुलेशन का बहुत ही आपस में अच्छा कनेक्शन रहा है। पुराने टाइम में हम लोग चाहे पत्थर्स, अलग अलग स्टोन्स, पेबल्स की हेल्प से कैलकुलेट करते रहे हो या फिर बोन्स की और स्टिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करते रहो, पर कैलकुलेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे साथ रही थी। तो ऐसे ही ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो हम टैली स्टिक के नाम से जानते हैं। ये टैली स्टिक्स जो है ये एनिमल बोन्स की हुआ करती थी। जैसे स्कूल्स में हम लोग कई बार स्टिक्स बनाते थे पेजेस में, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 बनाने के लिए हम लोग स्लैश लगा देते थे, तो सेम ऐसी टैली स्टिक्स पे होता था कि हम लोग अलग अलग शेप्स और साइज के ऐसे एरोज लाइंस खींचा करते थे और मैसेजेस भी इस पे लिखा करते थे एनिमल बोन्स पे। और धीरे धीरे क्या हुआ, बोन से हम लोग बैम्बू स्टिक्स और वुडन स्टिक्स पे आ गए और ये यूज होता था सबसे पहला एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पे। टैली स्टिक के बाद अगर हम लोग बात करें किसी और डिवाइस की तो नाम आता है वर्ल्ड के सबसे फेमस कैलकुलेटिंग डिवाइस का, जो है अबेकस। आज भी इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को छोटे बच्चों को स्कूल में कैलकुलेशन सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। ये अबेकस जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई किसी को नहीं पता, पर जो सबसे पहले अगर रिटन रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाए तो इसको 2700 BC में मेसोपोटामियंस में देखा गया था और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरे वर्ल्ड में फैलता हुआ दिखाई दिया। 600 BC के आसपास चाइना में आया, इजिप्ट, रोम, ग्रीक, बहुत जगहों पे ये गया, इंडिया में आया और हर जगह ये धीरे धीरे करके फैल गया था। इससे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे हम लोग काफी मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते थे। तो यहां पे बात आती है दो टाइप के अबेकस। सबसे पहला अबेकस जो कि सैंडबॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है कि जमीन में ही हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रोज और कॉलम्स ऐसी बना देते हैं और उन रोज और कॉलम्स में छोटे छोटे पैबल्स हम लोग रख देते हैं, तो इस तरह से एक बोर्ड गेम के जैसे हम लोग उसको सजा देते हैं। पर वहीं पे जो मॉडर्न अबेकस है वहीं पे वो पूरे जो सैंडबॉक्स था उसको एक फ्रेम में सेट कर दिया जाता है और उस रोज की जगह पे स्टिक्स लगा दी जाती है और उन पैबल्स को स्टिक्स में टांग दिया जाता है, तो इस टाइप से मॉडर्न अबेकस बनता है। ह्यूमन हिस्ट्री के अगले कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करते हैं, नेफियर बोन्स। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, जो नेफियर्स ने इसका इन्वेंशन किया था 1614 में। और ये डिवाइस जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स इसको निकालने के काम आता था। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस बॉक्स को, ये अर्लियर नेफियर बोन्स का एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो गोल गोल घूमने वाले आपको कुछ बॉक्सेस टाइप के जो दिख रहे हैं, रोलर्स जो दिख रहे हैं, इनमें वैल्यूज लिखी होती है। तो जिस चीज को आपको इंटू या मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना है उस वैल्यू को आप घुमा के सबसे ऊपर ला सकते हो और उन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा हो वो कहीं ना कहीं बीच में उनके इंटरसेक्शन में आ रहा होगा। इसको इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। इस चार्ट में देखिए रोज और कॉलम्स, जो टॉप मोस्ट रो और पहला कॉलम है, यहां पे आपको देखना है कि दो नंबर्स, जैसे आप कोई भी दो नंबर को उठा लीजिए, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन जहां पे भी हो रहा होगा उसी जगह पे आपको उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से नेफियर बोन्स काम किया करता था। इसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री में अगला कैलकुलेटिंग डिवाइस आया 1622 में, जिसका नाम था स्लाइड रूल। अब ये स्लाइड रूल हमारे ऑलमोस्ट स्कूल की स्केल जैसा होता है जिसमें वैल्यूज लिखी होती हैं। अब यहां पे सिंगल स्केल नहीं यूज होती थी, यहां पे मल्टीपल रूलर्स हम लोग इस्तेमाल करते थे और उनको आगे पीछे स्लाइड करके अलग अलग नंबर्स को ऊपर नीचे अरेंज करके इनकी वैल्यूज निकलती थी। इसको इन्वेंट किया था विलियम ऑकरेट ने। ये यूज होता था आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इससे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं अगले कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में। इसका नाम है पैस्कलिन। इसको बनाया था ब्लेज पैस्कल ने। इसका इन्वेंशन हुआ था 1642 में। इसमें हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे और यही दोनों चीज पॉसिबल थी। और आपको जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बावजूद
इस डिवाइस का प्राइस बहुत ज्यादा हुआ करता था, पैस्केलिन बहुत महंगी डिवाइस हुआ करती थी। इसमें कैलकुलेशन का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था। इनके इस स्ट्रक्चर में आपको वो व्हील्स दिख रहे होंगे गोल 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 गोल, इन व्हील्स में नंबर्स लिखे होते थे और ऊपर साइड में वो स्पेस होता था जहां पे वो नंबर्स दिखाई देंगे, जो भी नंबर आप उस व्हील पे घुमाएंगे। आपने किसी भी नंबर से उसको रोटेट करना चालू किया व्हील को, तो वो नंबर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए आपने चढ़ाया पहले कोई भी नंबर एक, अज्यूम कर लीजिए, उस नंबर को चढ़ाने के बाद आपको एडिशन करना है दूसरे नंबर को, तो वैसे यहां पे आप फिर से उसी नंबर को उस पे ऐड करेंगे, ऊपर आपका वो रिजल्ट शो कर रहा होगा। और यहां पे ढेर सारे व्हील्स देने का क्या मतलब है, समझ ही गए होंगे, ये यूनिट प्लेसेस दिखाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, इस तरीके से आपकी यूनिट प्लेसेस इसमें दिखाई जाती हैं।